यूपी के मिर्जापुर से महागठबंधन पर पीएम ने किया हमला। शौचालय की बात वही करता है जो माँ बहन बेटियों की इज्जत करता है। यूपी के चंदौली में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा 6 चरणों में ही मिली सरकार बनाने लायक सीटें, महामिलावटी पूरी तरह है पस्त। पीएम मोदी का मऊ से महागठबंधन पर हमला। एसपी बीएसपी नेता अपनों को अमीर बनाते हैं, मोदी हटाओ बहाना था, अपना भ्रष्टाचार छिपाना था। पीएम ने कहा कि एसपी बीएसपी के कुछ लोगों ने कुछ जातियों को अपना गुलाम समझ लिया था। 2014 और 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने बताया कि जातियां किसी की गुलाम नहीं होती। वाराणसी में महागठबंधन की रैली, माया ने कहा कि इस चुनाव के बाद बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो रही है। बीजेपी ने अच्छे दिन का झूठा चुनावी वादा किया था। वाराणसी में रैली के मंच से अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। कहा 7 दिन बचे हैं, जल्द देश को नया पीएम मिलने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बलिया में की जनसभा, कहा विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा, मोदी को हटाओ। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, मोदी सरकार में हुए विकास के काम गिनाए। कहा 8 करोड़ घरों को शौचालय दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का महाराजगंज से बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने चुनाव आयोग को बनाया कमजोर। एग्जिट पोल पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, सोशल मीडिया पर न डाले जाएं एग्जिट पोल्स। ईसी के ट्विटर को एग्जिट पोल्स हटाने के निर्देश। तय समय से एक दिन पहले ही खत्म होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार। आज रात 10 बजे के बाद से किसी भी तरह की रैली, सभा और रोड शो पर रोक। हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ और हमलावर हुई कांग्रेस। बंगाल हिंसा के बाद चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल। कहा इसी ने भी मोदी शाह के सामने सरेंडर किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का चुनाव आयोग पर आरोप। पीएम मोदी की रैलियों की वजह से देर से प्रचार पर बैन लगाया गया। बीजेपी ममता सरकार पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी प्रचार बैन पर उठाया सवाल। अहमद पटेल ने पूछा क्या पीएम की रैली की वजह से देर से लगाया बैन। येचुरी ने कहा तुगलकी फैसला। कोलकाता हिंसा मामले में चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को भी हटाया। प्रधान गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को हटाया गया। चुनाव आयोग की कार्रवाई से बौखलाई ममता बनर्जी। आयोग को बताया डरपोक, प्रचार बैन की वजह से आज ही करेंगी चुनावी रैली और रोड शो। ममता बनर्जी ने कोलकाता हिंसा मामले पर समर्थन के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को कहा धन्यवाद। माया, अखिलेश, कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू का नाम लिखकर शुक्रिया कहा। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। कहा ममता बनर्जी करा रही हैं हिंसा, टीएमसी के गुंडे वोटर पर डालते हैं दबाव। कांग्रेस का दावा आचार संहिता का खुला उल्लंघन। नमो टीवी आज भी लगातार प्रसारित हो रहा है। चुनाव आयोग बिना दांत वाला बाघ बनकर रह गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को दी विवादित बयान पर क्लीन चिट। पीएम मोदी की तुलना नई दुल्हन से की थी। साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग का तीसरा नोटिस। चुनाव खर्च में अंतर मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मांगा जवाब। चुनाव नतीजों पर योग गुरु रामदेव ने की भविष्यवाणी। मोदी सरकार की वापसी का किया दावा। कहा 23 मई के बाद बिगड़ने वाली है कुछ नेताओं की सेहत। अलवर में गैंग रेप पीड़िता से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। बुधवार को दौरा स्थगित करना पड़ा था। अलवर में गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात पर राहुल गांधी का बयान। कहा मेरे लिए राजनीतिक नहीं भावनात्मक मुद्दा है, राजनीति करने नहीं आया। ओमान में फंसी तेलंगाना की कुलसुम बानो विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत लौटी। कहा सुषमा स्वराज के सहयोग के बिना नहीं लौट पाती। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हादसा। ईएमयू पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, पलवल से गाजियाबाद आ रही थी ट्रेन। आरबीआई से मिले संकेत, आने वाले दिनों में एटीएम मशीनों में आ सकती है कमी। पिछले 2 साल में भारत में कम हुई एटीएम की संख्या। महाराष्ट्र के गन्ना किसान को भुगतान नहीं करने की वजह से 68 चीनी मिलों को नोटिस जारी। इन मिलों पर किसानों का 1320 करोड़ रुपए बकाया। गुवाहाटी में जू रोड पर ग्रेनेड ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। सीआरपीएफ और असम पुलिस को बनाया गया था निशाना, टारगेट चूकने पर आम लोग निशाना बने। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से गुवाहाटी ब्लास्ट के बाद हालात की जानकारी ली। जांच के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश कमांडर खालिद मारा गया। 2017 के लेथपुरा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था आतंकी खालिद। आज हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद। बंद की गई इंटरनेट सेवा।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शराब पीने का वीडियो वायरल, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी 5 छात्रों को सस्पेंड किया। यूपी के गाजीपुर में बाइक सवार को गाड़ी ने टक्कर मारी, हादसे में 3 लोगों की मौत। एमपी के राजगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक से यात्रा कर रहे परिवार को रौंदा, एक 6 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में काला धुआं छाया, आग पर पाया गया काबू। राजस्थान सरकार ने 8वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब से रानी पद्मावती के जौहर की तस्वीर हटाई, जौहर संस्थान ने आंदोलन की दी थी चेतावनी। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में निकाली गई दलित की बारात, हमला होने की आशंका थी। जयपुर के एक रेस्टोरेंट में रोबोट परोस रहा है खाना, ग्राहकों को भी पसंद आ रहा है रूबी नाम का रोबोट। भारतीय सेना ने जैसलमेर में शुरू की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों की तैयारी, भारत, रूस, चीन समेत 8 देश ले रहे हैं हिस्सा, 24 जुलाई से 17 अगस्त तक आयोजन। राजस्थान के बीकानेर में 4 दिनों से चल रही तेज आंधी से लोगों की मुसीबत, खाजूवाला में सैकड़ों पेड़ टूटे, नहरों में पानी बढ़ा। छत्तीसगढ़ से उत्तरी पूर्वी राज्यों का सफर होगा आसान, आज से रायपुर से शिलांग की फ्लाइट सेवा। गुजरात के अमरेली में शेरों को परेशान करते लोगों का वीडियो, बाइक के पीछे मृत पशु को बांध कर शेर को दौड़ाते नजर आए। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए फिट हुए पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान हेपेटाइटिस की वजह से थे बीमार, इंग्लैंड के लिए हुए रवाना।